हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज IBM की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसीज आउट किए जा चुकी हैं, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका सिर्फ इसमें वर्क रहने वाला है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। सो आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। सो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे ना, तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहां पर कोई फी आपको पे नहीं करनी है, ना आपका इसमें कोई एग्जाम होने वाला है। सबसे अच्छी बात, 5 days वर्किंग आपके इसमें जॉब रहने वाली है, जिसमें सैटरडे एंड संडे का आपका इसमें ऑफ रहने वाला है। सो विदाउट एग्जाम हायरिंग है, आपको अप्लाई इसके लिए जरूर से करना है, और अर्जेंट हायरिंग है ये। IBM के बारे में आप सारे अवेयर होंगे, MNC कंपनी है। IBM में आप में से बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका ड्रीम होगा कि हमने IBM में वर्क करना है, तो ये बहुत बढ़िया प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज आई है और फर्स्ट टाइम में आई हुई है। तो मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगी वेबसाइट पर चलकर, कैसे आपको इसके लिए सक्सेसफुली अप्लाई करना है, ध्यान से समझना अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि सारी चीजें उसी पे आपके डिपेंड करती हैं, और इमीडिएट एंड अर्जेंट हायरिंग जी आपकी होने वाली है। सो इन वैकेंसीज के लिए पैकेज की अगर हम बात करें, 4 lakh पर एनम तक का आपका इसमें पैकेज रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल की बात करें, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपके ये जॉब रहने वाली है। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। इससे पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो और अपलोड की थी जो कि टेक महिंद्रा की है, जिसमें 12th pass, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। 1400+ वैकेंसीज उसमें आउट हुई हैं। चैनल पर आपको 2nd number पर वो वीडियो मिल जाएगी, कम्युनिटी टैब में भी मैंने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। उस वाली वीडियो को भी जरूर से अभी जाकर चेक करके अप्लाई कर लेना, क्योंकि उसमें भी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। तो फिलहाल हम IBM की रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें आपका क्या वर्क रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहने वाली है, बट इसमें आपका वर्क क्या रहने वाला है, तो इसमें क्या कि कस्टमर या क्लाइंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको क्या करना है, उनको क्रॉस वेरीफाई करना होगा, जिसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। एंट्री लेवल की प्रोफाइल है, एनी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी मिनिमम की अगर बात करें 18+ होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें इसमें पोस्ट का क्या नेम है, तो एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस की ये वैकेंसीज है, जिसमें आपका सारा का सारा जो वर्क है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। हर चीज़ कंपनी आपको यहाँ पे बताएगी, हर ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जाने वाली है, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको सैलरी इसमें पे की ही जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मुझे ये लगी कि MNC कंपनी में हायरिंग है। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से जिनके मेरे पास कमेंट्स आते थे कि IBM में एंट्री लेवल के जॉब कब आएंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अप्लाई आपको इन वैकेंसीज के लिए जरूर करना होगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंशन किया हुआ मल्टीपल स्टेट के लिए ये वैकेंसीज हैं इंडिया में, तो ये हाइब्रिड जॉब आपकी रहने वाली है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों तरीके से रहने वाली है। 2 days आपकी ये ऑफिस जॉब रहने वाली है, 3 days आपकी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। सो इसमें बहुत सारी लोकेशन है जिसमें इंडिया में वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। अगर इसमें आपकी लोकेशन मेंशन नहीं होगी ना, तब भी आप इसमें जॉब कर सकते हैं, बताऊंगे किस तरीके से आगे। उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है, कैसे आप हर एक लोकेशन से इसके लिए अप्लाई एंड अपने वर्क कर सकते हैं। सो अप्लाई के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक प्रोवाइड कर दिया, क्लिक करेंगे नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक, जिसमें आपको क्लिक करना है पहले ही लिंक पर अप्लाई ऑनलाइन के लिए। सो अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने पोस्ट मेंशन की हुई है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है मल्टीपल स्टेट में ये रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल सिटीज में, और हर कोई आप में से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजिशन टाइप में भी आप देख सकते हैं एंट्री लेवल की ये वैकेंसीज रहने वाली है, और रेगुलर मतलब आपकी ये
परमानेंट जॉब रहने वाली है, तो काफी सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके बारे में अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, वैसे तो IBM के बारे में कुछ जरूरत भी नहीं है आपको, अबाउट IBM में वैसे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से IBM वर्क करता है। इसके अलावा लोकेशन स्टेटमेंट में आप चेक कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ की ऑप्शन मिल जाती है अप्लाई करने के लिए। तो हम इस ऑप्शन पे पहले क्लिक कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जैसे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जब नहीं हुआ तो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप ध्यान से समझना इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं रिज्यूमे की, चूज फाइल पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने अपना रिज्यूमे रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम मेंशन करना है, जहाँ जहाँ पे इन्होंने स्टार फील्ड मेंशन की हुई ना आप रेड में देख पा रहे हैं वो चीज़ें मैंडेटरी होंगी। अब लास्ट नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। एक्सपीरियंस में आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक करना है, या एग्जीक्यूटिव या फिर री एंट्री या इंटर्न पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है, जिस भी एरिया के लिए आप इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज में ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप वो सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब प्राइमरी स्किल सेट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शंस, या फिर आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल नहीं है या कोई अदर नॉलेज है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी इंडिया रहेगी। अब यहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाती है नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई टू जॉब के लिए, आप सीधा यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया है ना, आपको वो भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। यहाँ पे आप जो मैंने अब सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया है ना, वहाँ पे आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन विद लिंक्डइन से, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद ट्विटर, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करके सीधा लॉगिन होके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं डोंट हैव एन अकाउंट येट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ यू मस्ट एग्री टू प्रोसीड, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे अपना रखना होगा जो कि आपका 15-25 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उस पासवर्ड को आपको री एंटर करना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिलेक्ट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। जब भी आप किसी MNC कंपनी के लिए अप्लाई करें ना तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही होता है, ठीक है। सपोज दैट आपने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो आपको मान लो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया उसका आंसर यहाँ पे टाइप करना होगा। अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेयर इज़ योर फेवरेट वेकेशन स्पॉट, आप यहां पे क्लिक करके आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको लॉगिन कर लेना है, जो आपने ईमेल आईडी यहां मेंशन की और पासवर्ड रखा है बस वही फिल करके आपको अप्लाई करना होगा। अब अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब पास आउट किया, कहाँ से पास आउट किया, जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है एज इट इज आपको फिल करके सबमिट कर देना है। सो जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना होगा। और जैसे मैंने आपको बताया इसमें मल्टीपल लोकेशंस के लिए वैकेंसीज है, हाइब्रिड जॉब है जिसमें आपके वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों तरीके से रहने वाली है, वीक में 5 डेज आपको इसमें वर्क करना होगा। जो जो लोकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है आपको उस लोकेशन में आप रीलोकेट हो सकते हैं, जिसमें आपको 2 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, 3 डेज आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो पैकेज बहुत बढ़िया है, आई डोंट थिंक रीलोकेट होने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप फ्रेशर अप्लाई आपको जरूर करना है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एनी फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, किसी को अगर 1 ईयर तक का है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेकएम की जॉब को जरूर चेक कर आप अप्लाई कर लेना। चलिए